हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के हर गांव में किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए नया प्राकृतिक खेती विभाग बनाने की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस बार सरकार का प्रयास रहेगा कि बजट सत्र में प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट भी तय किया जाए। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 8 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में प्राकृतिक खेती पर आधारित प्रदेश स्तरीय कृषि कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल व गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शिरकत करेंगे। इस कार्यशाला के लिए करीब 1200 किसानों को आमंत्रित किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने कहा कि आज के आधुनिक युग में देश के साथ साथ प्रदेश में जहर मुक्त खेती की जा रही है। इससे जहां लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, वहीं भूमि की सेहत खराब होने के साथ साथ किसानों की आय भी कम हो रही है। इस विषय को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2 वर्ष पहले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राज्यपाल आचार्य देवव्रत की देखरेख में शुरू की गई थी और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के प्रति जागरूक किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस अभियान को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब महामारी का प्रकोप कम होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मार्गदर्शन में फिर से किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के लिए 8 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में कृषि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सांसदगण, विधायकगण, सभी जिलों के उपायुक्त, 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद तैयार किए जा सके। वर्तमान समय में उत्पाद पैदा करने के लिए खेतों में अंधाधुंध दवाइयों, खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और कृषि उत्पादों को भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उचित दाम नहीं मिल पा रहा। इसलिए समय की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर फोकस रखकर प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर खेतों में बिना दवाई और खाद से अच्छे उत्पाद तैयार किए जाएंगे तो निश्चित ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फसलों के दाम अच्छे मिल पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हर ब्लॉक और हर गांव के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रयास करेगी। सरकार किसानों के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी ताकि लोगों को जहर युक्त उत्पादों से मुक्ति दिलाई जा सके। इसके लिए सरकार सबसे पहले लैब उत्पादों की जांच करने की विधि, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सर्टिफाइड करने तथा अधिक से अधिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर ध्यान देगी। इसके बाद गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी स्थापित करेगी। इससे पहले प्रत्येक गांव में कुछ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने दक्षिण हरियाणा में खारे पानी वाली जमीन पर झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने का काम किया है। इस क्षेत्र में झींगा मछली उत्पादन को 2500 करोड़ से बढ़ाकर आने वाले 3 साल में 5000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सब्सिडी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं को तैयार करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अभी हाल ही में भिवानी में प्रदेश स्तरीय पशु मेला आयोजित करके पशुपालकों को लाखों रुपए के इनाम भी वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरसों, बाजरा, मक्का सहित अन्य फसलों के MSP को लगातार बढ़ा रही है और सरकार ने गन्नौर में करीब 8000 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी मंडी का निर्माण करने का कार्य किया है। इस प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ प्रदेश सरकार की तरफ से खर्च किया जाएगा। इस मौके पर सांसद नायक सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह, ADC अखिल पिलानी, DDA डॉक्टर प्रदीप मिल, SDO जितेंद्र मेहता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपने उसका देखा भी होगा कि 7 साल पहले 2014-15 में सरसों का MSP 3000 से नीचे था, जिसको हमने 5200 रुपए तक भी कर दिया है। इसी तरह दालों के रेट भी हमने बढ़ाए हैं और जो मोटा अनाज है बाजरा टाइप गेहूं, और इससे MSP की वजह से गेहूं और धान के चक्कर से किसान निकलना नहीं चाहता क्योंकि एश्योर्ड मार्केट है इसकी। लेकिन हमने बाजरा के लिए किसानों को प्रेरित किया। बाजरा के लिए हमने 600 रुपये भावांतर भरपाई का किसानों को दक्षिण हरियाणा को दिया। 450 करोड़ रुपये किसानों के खाते में सीधे डाले और विपक्षी भाइयों ने बहुत हल्ला किया कि बाजरा 800 रुपये बिकेगा, 900 रुपये बिकेगा, 1000 बिकेगा। हमने आज से 6 महीने 9 महीने हाउस में भी कहा था कि किसान भाई रहे ना, थोड़ा सा हिम्मत रख के बाजरा भी 1800 बिकेगा, 2000 बिकेगा और 600 रुपये हमने दे दिया। 2200 रुपये की MSP की बजाय आपको 2500 रुपये पैसे मिलते हैं। आज आप पता कर लीजिए बाजरे का भाव 1800-1900 रुपये है और 600 रुपये के हिसाब से हम किसानों को दे चुके हैं। तो हरियाणा
जो है प्रोएक्टिव होकर किसानों के मतलब की जो चाहे गन्ने का भाव हो, चाहे गन्ने की बातें हो, या कोई 14 फसलें हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, मंडियां हम सबसे ज्यादा हमारी बेटर है, डायरेक्ट पेमेंट हम किसान को कर रहे हैं। अब कन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो 7-8 हजार करोड़ की है, इसका टेंडर फ्लोट कर दिया है, अभी मेरे ख्याल में अगले महीने 15 दिन में खुल जाएगा, तो इसका हरियाणा को किसानों को बहुत जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मंडी जो इंडिया में नहीं है वो हमारे कन्नौर में बनने जा रही है। तो स्वाभाविक है कि इतना बड़ा काम 7-8 हजार करोड़ की लागत से कोई बनेगा, जिसमें 2 हजार करोड़ की सरकार लगा रही है, बाकी फिर जो कोल्ड स्टोरेज वाला है, कोई गोडाउन वाला है, कोई प्रोसेसिंग वाला है, 550 एकड़ की मंडी, ये हमारी जो आजादपुर मंडी सबसे बड़ी है, मेरे ख्याल 200 एकड़ से कम ही है। तो कोशिश तो ये है कि हरियाणा को हम किसानों के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह स्टेट बनाएं और हर तरह की सुविधाएं उनको दें, और धीरे 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 करके जो जो किसानों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करे कि सरकार और किसान दोनों मिल करके प्रोडक्ट भी अच्छा लेके आए, उनके लिए भाव भी अच्छा मिले, और अकेले ये धान और गेहूं की कृषि के बजाय मैं कहता हूं कि हमारे पास इतना स्कोप है कि खारे पानी के अंदर हम 10,000 फार्म तैयार कर सकते हैं अगले 3-4-5 साल में। अगर 10,000 फार्म तैयार हो तो मैं आपको बताता हूं कि एक फार्म 2.5 एकड़ के फार्म एक पर 30 लाख रुपए की बचत आती है 5 महीने में। ऐसा व्यापार बड़े बड़े जो खबर नंबर लेने के लिए डॉक्टर राजेश वधवार पर जनरल शर्मा की रिपोर्ट।